हाय फ्रेंड्स, मैं मयूर मयूर मोटर्स बायर। आज मैं एक इको स्टार्ट करने के लिए आया हूँ खेत में। आप देख सकते हो ये गाड़ी चालू गाड़ी बंद हो गई है खेत में ही, तो मैं देखने वाला हूँ क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये दरअसल आपके पास साथ भी होता होगा कभी कभी, तो दिखाता हूँ मैं आपको। इग्निशन ऑन करता हूँ मैं यहाँ से, तो मीटर में कोई लाइट ही नहीं आ रही है। आप देख सकते हो मीटर में इग्निशन, इंजन चेक, हैंड ब्रेक का कोई भी लाइट नहीं आ रहा, ऑल्टरनेटर बैटरी का। ठीक है, चाबी चाहे जितनी बार घुमा लो। तो फ्रेंड्स, इसका बैटरी पहले वाला जो पुराना था वो उतर गया था, पार्टी ने बोला, तो हमने उसका दूसरा बैटरी लगाया हुआ यहाँ पे, सर्विस बैटरी। ये पुराना बैटरी है, हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पे दूसरा बैटरी लगाया। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम ये है गाड़ी के अंदर के कोई लाइट ही नहीं आ रहा है, मीटर के अंदर इग्निशन आ ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने सब कुछ चेक किया तो यहाँ पे मालूम हुआ हमको, उसके फ्यूज बॉक्स के अंदर जो उसका मेन फ्यूज रहता है ना, ये कटा हुआ है। हमने यहाँ से जुड़ा है अभी डिसमिस से, तो ये फ्यूज का प्रॉब्लम रहता है, तो कभी गाड़ी का अंदर इग्निशन लाइट आता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ से एक पेच ले रहा हूँ डिसमिस, सीधा यहाँ टच करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट आ रहा है। ठीक है, वहां से हटा लूंगा मैं डिसमिस, थोड़ा सा यहां से ले लिया, तो आप देख सकते हो चला जाएगा। फिर से लगाता हूं वहां पे, तो लाइट आ रही है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम था गाड़ी। फ्रेंड्स, यही बताने वाला था आपको कि कोई भी गाड़ी के अंदर जो मेन फ्यूज रहता है उसका, ऑल्टरनेटर का, वो चला जाएगा तो गाड़ी के अंदर इग्निशन लाइट नहीं आएगा। तो ये फ्यूज चला गया हुआ है, तो मैं उसको अभी रिप्लेस करने वाला हूँ, दूसरा नया फ्यूज डालने वाला हूँ दुकान शॉप पे ले जाके। अभी यूं ही ले जा रहा हूँ दुकान पे। ठीक है, तो आप भी देखते रहिए मयूर मोटर्स वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इग्निशन ऑन, रेडी, इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन, रेडी। देख सकते हो यहाँ पे लगाया हुआ है डायरेक्ट डिसमिस। गाड़ी करता हूँ स्टार्ट, गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट है। फिर से बंद करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट। फ्रेंड, गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद यहाँ पे डिसमिस का जरूरत नहीं है, हटा लो डिसमिस। आप देख सकते हो मैंने अभी यहाँ से डिसमिस ले लिया है, फ्यूज को डायरेक्ट नहीं किया है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट है। क्योंकि एक बार गाड़ी ऑल्टरनेटर निकालना चालू कर देता है करंट डायनेमो उसका, तो फिर बाद में गाड़ी के अंदर डायनेमो का करंट घूमता है, बैटरी का वोल्टेज का कोई जरूरत नहीं रहता है। और हमें जब बैटरी का जरूरत है तभी ये फ्यूज ओके होना चाहिए, ये सेफ्टी के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसे हम डायरेक्ट करते हैं लेकिन डायरेक्ट करना नहीं है, ठीक है, उसको कंटिन्यू कंपनी के रूल्स के हिसाब से ही करना है। तो ये वीडियो था, मैं बताने वाला था कि फ्यूज कभी चल जाता है तो ये बनता है।